हेलो एवरीवन, और कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आखिरकार टाइम मिल ही गया आप लोगों से बात करने का। चलो अब मैं दो मिनट में सेटअप करके आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक आप लोग इंट्रो देख लो। हाँ जी, तो स्वागत है हमारे इस वीडियो में आपका। तो आज का वीडियो किस बारे में है ये आप सबको पता ही है। उसे समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी किस लिए वो आपको पता चल जाएगा। आइए अब किरदार से मिलते हैं। पहले तो हमारे सिम्बा नहीं वो वाला नहीं, ये वाला, और ये है हमारा मुफासा। लेकिन उससे पहले इस कहानी को इस व्लॉग के बीच में घुसाने का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ओवरव्यू आपको बताना चाहूँगा। ये जो कहानी है इस फिल्म की, इसमें की पूरी कहानी से मैं आपको बता नहीं रहा, सिर्फ इसमें का एक सीन है, देखो ये वाला सीन, हाँ, जहाँ पर इसे घेरे हुए से, तो ये वाला सीन आप लोगों को याद होगा। तो ये सीन का स्टार्ट और एंड यही मैं दिमाग में रखते हुए आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे पता है मेन फिल्म का एंड कुछ और है, तो मैं सिर्फ इतने वाले सीन का को बताने जा रहा हूँ। अगर कंफ्यूज हो रहा तो टेंशन न लो, आगे बढ़ते रहो वीडियो में, सब समझ में आ जाता। ये हमारा सिम्बा है, हिम्मत बहुत है वैसे में, लेकिन ताकत नहीं है। कभी भी इसके आगे कोई बहादुर को खड़ा दूँ इसकी फट जाती है, वो अलग बात है कि हार नहीं मानता। समझ रहे आप लोग, इसमें इतनी ताकत नहीं है झेलने की लेकिन इस पे जब भारी मुसीबत आ जाए तो इन्हें भी हैंडल नहीं कर सकता, तो अब कोई तो भी आएंगे ना इन हैवी फाइल्स से लड़ने के लिए। मोहब्बत बहुत है वो, कहीं तो बोले तो यूट्यूब के स्टार्टिंग से वीडियोस वगैरह सब इस पे एडिट हुए, इवन मेरे पर्पल लाइन चैनल पे 40-40 मिनट्स के शॉर्ट फिल्म्स इस पे ही एडिट करा। बस ये था कि मैं इस पे फुल एचडी कर पाता था, 4K करना बोले तो मेरे को बहुत टाइम लगता था, कई बार सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता था क्योंकि उतना नहीं झेल सकता था वो। आप समझ रहे ना, सिम्बा है वो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसा झेलेंगा। और अब इसके आराम का वक्त आ चुका था और इसे ना बेचते हुए, क्योंकि हमारे दिल के करीब जो है, हम निकल पड़े पुणे सिटी। तो वहां पर हमारे भाई जैसे दोस्त सौरभ भाई और MS कंप्यूटर्स की हेल्प से हमने वहां पर करवाया PC बिल्ड। ये जर्नी मेरे लिए बहुत लंबी रही कि जहां से हमने ये PC बिल्ड कराया वहां से वहां के लिफ्ट में गया, लिफ्ट से कार में गया, कार से ट्रेन में गया, परभनी, परभनी में उतरा, ऑटो में गया, ऑटो से फिर घर पे गया। अब जब इतना लंबा मैं ट्रैवल करके आऊंगा तो डस्टिंग, पोल्यूशन, ये सब तो टेंशन रहता है, गिजगिज बाहर निकलेंगे तो ये सब तो रहता है, लेकिन अपन टेंशन नहीं लेते। कई को बोले तो अपने पास इसका क्यूर है, अपन यूज करते घर से निकलने से पहले टैप के प्रोडक्ट्स। घर से निकलने से पहले अपन फेस वॉश कर लेते, और वैसे तो मैं साथ में भी लेके ट्रैवल कर सकता हूँ इसको, मान लो कहीं पे भी लेके जा सकते हो। घर से निकलने से पहले मैं ये फेस वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद में जो है सो अपन सनस्क्रीन लगा लेते, सनस्क्रीन भी बहुत अच्छी है, सनस्क्रीन यूज़ कर लेते हो। सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद में अब तो सर्दियाँ भी चल रहे तो होठा भी जो है तड़क जाते, तो उसके वास्ते भी है लिप बटर बोल के, तो मैं ये सब लगा के निकलता हूँ, तो अपने को टेंशन नहीं है डस्टिंग का, पोल्यूशन का। तो अगर आप लोगों को भी अगर खरीदना होगा टैक के प्रोडक्ट्स, कोई भी खरीद सकता, लड़के लड़कियां कोई भी यूज़ कर सकते, तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग खरीदना चाहो तो वहाँ से खरीद सकते। तो उसके बाद क्या हुआ बोले तो इसकी अनबॉक्सिंग हुई, तो आइए अभी आपको अनबॉक्सिंग दिखाते हो इसकी। चलो आखिरी एक्साइटेड हूँ, ये एक्चुअल में मेरे से एक्साइटमेंट रही नहीं जा रही थी, तो मैं क्या करा बोले तो मैं ऑलरेडी ओपन कर देंगे, देख लिया ऑलरेडी मैं ये खोल दिया, तो अपन खोलेंगे फिर से। बिस्मिल्लाह, ओप्स, क्रेजी मॉनिटर, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। ओके, अच्छा उल्टा खोले क्या अपन बॉक्स? चलो ओके, सीडी अपनी, केबल्स, स्टैंड,
तो ये सब है। फाइनली आए हाय, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो मैं अभी रियली फीलिंग, बोलते हैं ना, जोश आ रहा है मेरे को। कटर कहाँ है? कटर लेके आओ। तो कटर तो नहीं मिला, तो फिलहाल अपन मिली चाबी, चाबी से अपन खोलते हैं। चलो आ जाओ। चलो बिस्मिल्लाह। ये ऑलरेडी सब पूरा चेकिंग हो चुका है, पूरा चेक होके, टेस्टिंग होके, बिल्ड होने के बाद पूरा रेडी हो गए, उसके बाद फिर पैक हुआ। तो ये मैं बोल सकता कि ये सेकेंड अनबॉक्सिंग ही नहीं, तो ये ऐसे लगा दिए थे। अनबॉक्सिंग तो हो गई, अब इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी पता है तो कि पीसी में क्या क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मदरबोर्ड से, क्योंकि मदर है तो सब है। तो मदरबोर्ड से हम शुरू करते हैं। तो मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है इसमें एसयूस का। उसके बाद हम प्रोसेसर पर आते हैं। इसमें हमने प्रोसेसर यूज़ किया है इंटेल का i7 12th generation प्रोसेसर। ग्राफिक्स कार्ड हमने इसमें यूज़ किया है RTX 3060, 12GB ग्राफिक्स कार्ड है। रैम हमने इसमें यूज़ की है 32GB, जो कि किंगस्टन की तरफ से आती है। 1616 के दो स्लॉट्स है इसमें, और दो स्लॉट्स भी अवेलेबल है जिसके अंदर मैं आगे जाके अपग्रेड करना हो तो और 1616 के दो लगाकर टोटल 64GB रैम कर सकता हूँ। अब हम स्टोरेज की तरफ आते हैं। स्टोरेज मैंने इसमें इंटरनल इसमें SSD लगवाया है सैमसंग का, जो कि 512GB का है, और अलग से मैंने 4TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले ली है। और कैबिनेट हमने यूज किया है सर्कल गेमिंग की तरफ से, जो कि बेस्ट है भाई। इन बिल्ट इसमें 5 CPU फैंस आते हैं, जो कि 8GB है, और इसके अंदर 3 फैंस अपन फिट कर सकते हैं एक्स्ट्रा, 2 बॉटम में और 1 फ्रंट में। एंड इसका वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर ऊपर से भी, साइड से भी, नीचे से भी पूरा वेंटिलेशन के लिए अच्छा स्पेस है। इसके अंदर स्विच भी है जिसके अंदर RGB के मोड्स अपन चेंज कर सकते, अगर कोई एक ही कलर रखना है सिंगल तो वो भी रख सकते हैं, मल्टी कलर रखना है तो वो भी रख सकते हैं। मेरा फेवरेट है ब्लू, और ये वाला जो चेंज हो रहा है जब से चेंजिंग, ये वाला जो स्लोली चेंज होता है कलर, और ऐसा मेरे को लगता था पहले कि यार RGB अगर CPU होगा तो डिस्ट्रैक्ट होता होगा एडिटिंग करते समय या कुछ काम करते समय, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा, मतलब मजा आ रहा काम करने, और ऐसा बोलते हैं ना एक वाइब सेट हो रही। हाँ जी, तो अब इतना सब ले लिया तो अब इसको पावर सप्लाई भी कड़क लगना चाहिए। 850W का हमने पावर सप्लाई यूज किया इसमें। हाँ, इसके पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। CPU के ऊपर 2 पोर्ट्स है अपने USB 3.0 के, और एक ऑडियो जैक है माइक जैक है ऊपर, और पीछे USB टाइप सी पोर्ट्स है, USB 2 पोर्ट्स है, USB 3 पोर्ट्स है, HDMI डिस्प्ले पोर्ट्स के 3 है। ये तो अपना हो गया CPU के बारे में। अब मॉनिटर के बारे में मैं बताया था, तो मॉनिटर मैंने मंगवाया है जो कि LG 27 इंच का है, 4K मॉनिटर है। ये भी व्हाइट कलर में है, तो व्हाइट बैक व्हाइट है, सामने के जो बेजल्स होते हैं वो ब्लैक है, स्टैंड भी व्हाइट है, तो क्रेजी दिख रहा। और मैंने कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो जो कि ज़ेब्रोनिक्स का RGB वाला जो कि बहुत फेमस है, तो वो मैंने मंगवाया, ये भी अच्छा है। अभी मैं इस पे आपको गेम प्ले करके बताता हूँ कि इस पे गेमिंग कैसी होती है, गेमिंग कैसी स्मूथ होती है। गेमिंग के लिए भी आप लोग ये पीसी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो मैं इस पे आपको बता दूं कि गेमिंग कैसी होती है। अपन GTA 5 खेल कर देखते हैं कि कैसी होती है। चलो आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। आप लोग देख सकते हैं 12GB ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन हाई सेटिंग्स पर डालने के बाद भी सिर्फ 6GB ग्राफिक्स कार्ड यूज हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और मैं कुछ इसमें करते करते किया तो भी 7GB जाएगा, उसके आगे नहीं। लैग तो कुछ भी नहीं है, ऐसे सेकेंडों में गेम ओपन प्ले हो रही है, देखो बहुत ही।
मतलब जो ग्राफिक्स जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे, मैं बता नहीं सकता आपको ऐसा, आप लोगों के लिए सिर्फ ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, लेकिन मुझे जो दिख रहे FPS का लैग मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा। तो अभी इस पे एडिटिंग के इस पे भी आ जाते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ कि रेंडर स्पीड कितनी लगती है, उसको रेंडर कितनी जल्दी होता। एक नॉर्मल एक प्रोजेक्ट ओपन करके डायरेक्ट रेंडर पे छोड़ते हैं अपन और देखते हैं कितने मिनट में होता 4K प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, ये टाइमलाइन कुछ ऐसी है, इसके अंदर कुछ ट्रांजिशंस ऐड किया, इफेक्ट्स ऐड किया, टाइटल है, 4K वीडियो है और कलर ग्रेडिंग वगैरह करा। चलो अब इसको अपन एक्सपोर्ट पे छोड़ेंगे, रेंडर मारा, रेंडर ऑल। अब देखो कितने मिनट में होती, देखो तो आप देख लिए एडिटिंग का भी कितना स्मूथ है, कितना स्मूथ काम हो रहा। अब अगर ऐसे फास्ट रेंडर होगा तो थोड़ा मजा आ जाएगा, और जब हमारे पास काम ज्यादा होते हैं जब ये सब चीजें हमें यूजफुल लगती है, क्योंकि रेंडर को इसमें पुराने पीसी में जब मैं बैठता था तो मुझे दो दो घंटे तीन तीन घंटे लग जाते थे रेंडर होने, तो उसमें बहुत टाइम जाता था। वही दो तीन घंटे में मैं कुछ और प्रोजेक्ट एडिट कर सकता हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए जरूरी था इस पीसी से इस पीसी पे जाने पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी एक वीडियो एडिटर हो तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी एक ऐसा पीसी लो, बट फिर भी आप इसे लेना चाहते हो और सोच के बैठ गए कि अगर अब मैं एडिटिंग स्टार्ट करूँगा हाई एंड पीसी लेके ही एडिटिंग स्टार्ट करूँगा, तो भाई ऐसा नहीं होता। पीसी लेने से कोई वीडियो एडिटर नहीं बन जाता। आप लोग अगर बिगिनर हो तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं भाई, स्टार्ट करने के लिए एक्सक्यूजेस की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप बेसिक से बेसिक बोले तो फिल्मोरा से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी उस पर शॉर्ट फिल्म्स एडिट की है, तो वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर अगर आप एक बिगिनर हो। अगर आपका पीसी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर झेल नहीं सकता जैसे प्रीमियर प्रो, डाविंची, तो आप फिल्मोरा से भी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते। धीरे धीरे आपको बेसिक्स उससे समझ में आ जाएंगे जब आपके पास थोड़ा है ना काम बढ़ जाएगा, कि अब जब आपको लगेगा कि काम आ रहे हैं और अब मैं ये पीसी अपग्रेड करना चाहिए, कि अब मैं फुल HD बहुत कर लिया, अब मुझे 4K प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, मुझे 4K प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, तो अब आप बाय कर सकते। अगर आप एक अच्छे एडिटर हो तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पीसी के मोहताज मत रहो, हाई एंड प्रोसेसर वगैरह इस सब के डिपेंडेंट मत रहो। आप अगर एडिटर हो तो आप किस पे भी एडिट कर सकते हो, यू कैन एडिट ऑन फोन। ये थोड़ा सिली लगेगा बट मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप लोग शायद समझ रहे होंगे, कि ये तो सोच के खत्ते ही मत बैठो कि अब मैं एडिटिंग करूंगा तो हाई एंड पीसी लेके ही एडिटिंग स्टार्ट करूंगा। नो। अब आप लोगों के दिल में क्वेश्चन होगा कि भाई अगर मैं फिल्मोरा पे काम चालू करूंगा, एडिटिंग स्टार्ट करूंगा, एडिटिंग करते करते नहीं क्या इन फ्यूचर अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगा, डाविंची पे जाऊंगा, प्रीमियर पे जाऊंगा, फाइनल कट प्रो पे जाऊंगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं भाई, नहीं आता, सेम ही रहता, रूल सेम ही रहता, कटिंग एडिटिंग जो भी ट्रांजिशन सब सेम ही रहता, बस ऑप्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह रहते, किसी में एक्स्ट्रा ऐड रहते, जैसे मास्किंग हो गया, कलर ग्रेडिंग हो गया, डाविंची में थोड़ा एक्स्ट्रा है, ट्रैकिंग हो गया, है ना, बहुत से एक्स्ट्रा चीजें उसमें रहती, वो तुम्हें अपग्रेड करने के बाद ऑटोमेटिकली सीखने मिल जाएगा, बट जब तुम शिफ्ट करोगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं फिल्मोरा नहीं बोले तो भी 5 साल से यूज कर रहा हूँ भाई, फिर भी अब मैं डाविंची पे सडन शिफ्ट हुआ, इससे पहले कभी पाला नहीं पड़ा मेरा, कभी मैं बोलते ना ऐसा क्ली ओपन भी नहीं करा, वो उसका इंटरफेस भी नहीं पता मुझे। मैं करते करते यूज मैं 4 दिन में प्रो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छा खासा मुझे समझ में आ गया कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। और बाकी मेन चीज देखो भाई, अपने पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे इतने बड़े वीडियोस पड़े हुए हैं, हेल्प हो जाती आप लोगों की, तो शिफ्टिंग में कोई इश्यू नहीं आती, आप कोई भी सॉफ्टवेयर से स्टार्टिंग कर सकते, कोई मसला नहीं है। तो सॉरी भाई, आखिरी ज्ञान हो गया, मैं ज्ञान देना नहीं चाहता था, आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों बोला। एंड बिग थैंक्स टू क्रिएटिव फोटो वाले मोहम्मद अंसार भाई, जिन्होंने मुझे ये लेंस दी यूज करने के लिए, इस लेंस की वजह से मेरी वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा एनहांसमेंट आ गया, तो थैंक यू सो मच भाई, एवरीवन थैंक यू सो मच। और टैग प्रोडक्ट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहां से जाके खरीद सकते। तो चलो भाई, अपन वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, अब जो अगला वीडियो जो है अब अगले साल ही चाहेगा, कई को बोले तो यस दिसंबर में आ रहा था, अगला तो जनवरी में चाहेगा, कई मालूम है लेट आ रहे, साल में 3 वीडियोज आ रहे, क्या करेंगे अब, कुछ भी नहीं बोल सकते। चलो अब सनसेट भी हो रहा, अपन भी सेट हो जाएंगे, ओके सब्सक्राइब कर लेके जाओ, बहुत हो रहा तुम लोग, आप सब्सक्राइब नहीं करे तो खैरियत से नहीं रहते अब तुम ना। हाँ रुको, यहीं सनसेट देखो।